तो दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मुकाबला अब करीब है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अभी एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की भिड़ंत होने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम तो फाइनल में पहुंच चुकी है। जी हाँ, लेकिन अभी यहाँ पर दिल्ली के साथ किस टीम की भिड़ंत होगी, ये होगा एलिमिनेटर मुकाबले में फैसला कि कौन सी टीम जाएगी सीधे फाइनल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट लाइन गुरु के सेगमेंट प्री मैच एनालिसिस में, जहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के एलिमिनेटर मुकाबले को लेकर, जो कि मुंबई इंडियंस वुमेन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में 15 मार्च को शाम 7:30 बजे। देखिए ये मुकाबला जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों ही टीम्स के बीच में 19th मैच में भिड़ंत हमें देखने को मिली थी, जहां पर आरसीबी की टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। अगर इस सीजन की बात की जाए तो 2 बार इन दोनों टीम्स का आमना सामना हुआ है। एक बार जीती है मुंबई की टीम, तो वहीं दूसरी बार आरसीबी की टीम को जीत हासिल हुई थी। लेकिन एलिमिनेटर मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल कर जाएगी सीधे फाइनल में, ये सवाल सभी क्रिकेट फैंस के दिमाग में है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11, साथ ही उन खिलाड़ियों के नाम जो कि इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बना सकते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। अरुण जेटली स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर 9 मैचेस इस सीजन खेले गए हैं, 6 मुकाबले जीते हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने, तो वहीं 3 मुकाबलों में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है। देखिए लास्ट जो 2 मैचेस थे वो सेकंड बैटिंग करते हुए इस पिच पर जीते गए हैं, तो इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें। साथ ही फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर रहा है वो है 177 का, हाईएस्ट स्कोर यहां पर बनाया है गुजरात जायंट्स की टीम ने 199 का, तो वहीं लोएस्ट स्कोर यूपी वॉरियर्स की टीम ने दर्ज किया है 118 का। बॉलर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम में टोटल जो विकेट्स हैं वो 88 लिए गए हैं, 32 विकेट चटकाए हैं पेसर्स ने, तो वहीं 56 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। यानी कि ये जो पिच है ये स्पिनर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होती दिखाई दे रही है। हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करें तो मुंबई और आरसीबी के बीच में 4 मुकाबले खेले गए हैं, 3 मुकाबलों में मुंबई की टीम भारी रही है, तो वहीं 1 मुकाबला मात्र आरसीबी की टीम ने अभी जीता है, वो भी इसी सीजन का 19th मैच। अब ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम को पिछले मुकाबले में आरसीबी से हार का सामना करना पड़ा था, और अब ये क्योंकि फाइनल मुकाबले के लिए मैच खेला जा रहा है, तो यहां पर मुंबई की टीम पूरा जोर लगाएगी कि इस मुकाबले को जीतकर वो फाइनल में एंट्री ले पाए और साथ ही इस साल की ट्रॉफी भी अपने सर पर सजाए। देखिए यहां पर मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी शामिल रह सकती हैं उनके नाम आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहां पर हेली मैथ्यूज, नेट सीवर ब्रंट, प्रियंका बाला, हरमनप्रीत कौर, अमेलिया कर, अमनजोत कौर, एस सजाना, पूजा वस्त्राकर, हुमायरा काजी, शबनीम इस्माइल और साइका इशाद। तो दोस्तों ये वो 11 खिलाड़ी होंगे जो कि हमें आरसीबी के खिलाफ भिड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहां पर अगर पोटेंशियल चेंज की बात करें तो देखिए यास्तिका भाटिया को शामिल किया जा सकता है, लेकिन किस खिलाड़ी की जगह उन्हें शामिल किया जाएगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। अब मुंबई इंडियंस के अगर की प्लेयर्स की बात करें तो कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस सीजन 6 मुकाबले खेलते हुए 235 रन बनाए हैं। हेली मैथ्यूज ने आरसीबी के खिलाफ जो पिछला मुकाबला हुआ था वहां पर 26 रन की पारी खेली थी, साथ ही 1 विकेट भी उन्होंने अपने नाम किया था। इनके अलावा एमेलिया कर हैं जिन्होंने 8 मैचेस में 7 विकेट निकाले हैं, साथ ही 188 रन भी स्कोर किए हैं। नेट सीवर ब्रंट ने 7 मैचेस में 147 रन बनाए हैं, साथ ही 8 विकेट भी अपने नाम किए हैं। तो वहीं गेंदबाजों की लिस्ट में शबनीम इस्माइल है जिन्होंने 6 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं, और आखिरी नाम है साइका इशाक का जिन्होंने 7 विकेट चटकाए हैं 8 मुकाबले खेलते हुए। तो ये हो गए मुंबई की वो खिलाड़ी दोस्तों जो कि आरसीबी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएंगी इस एलिमिनेटर मैच में और फाइनल में जगह बनाने की भरपूर कोशिश करेंगी। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन आरसीबी की टीम ने पिछले मुकाबले में दिखाया था, यानी कि मुंबई के खिलाफ जो मैच हुआ था 19th मैच, उस मुकाबले में जिस तरीके की बल्लेबाजी और गेंदबाजी हमें आरसीबी की देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है बराबर की टक्कर का होने वाला है। तो ऐसे में स्मृति मंधाना क्या यहां पर अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करना चाहेंगी या फिर उन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ एक बार वो फिर से मुंबई के खिलाफ भिड़ती हुई नजर आएंगी। तो देखिए आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उनके नाम आपको बताते हैं। तो स्मृति मंधाना है, सोफी मोलिन्यूक्स, एलिसा पेरी, सोफी डिवाइन, ऋचा घोष, जॉर्जिया वैरम, दिशा कसार, श्रियंका पाटिल, आशा सोबना, श्रद्धा पोखरकर और रेणुका ठाकुर सिंह। तो ये वो 11 खिलाड़ी होंगे जो कि मुंबई की टीम को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएंगी। अब यहाँ पर अगर आरसीबी के की प्लेयर्स की बात करें दोस्तों, तो देखिए कप्तान स्मृति मंधाना ने 8 मैचेस में 259 रन अभी तक बनाए हैं। इनके अलावा एलिसा पेरी है जिन्होंने 7 मैचेस में 246 रन लिए हैं, साथ ही जो पिछला मुकाबला था यानी कि जो हम 19th मैच की बात कर रहे हैं जो मुंबई के खिलाफ ही खेला गया था, वहां पर एलिसा पेरी ने जिस तरीके की गेंदबाजी की थी 6 विकेट उन्होंने निकाले थे मुंबई के खिलाफ दोस्तों। तो ऐसे में जो मुंबई के बल्लेबाज हैं उन्हें थोड़ा सा बचकर रहना होगा एलिसा पेरी से, क्योंकि यहां पर बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाती हुई नजर आ सकती हैं एलिसा पेरी। इनके अलावा देखिए ऋचा घोष हैं जिन्होंने 7 मैचेस में 226 रन बनाए हैं। गेंदबाजों पर नजर डालें तो आशा सोबना ने 8 मुकाबले में 9 विकेट लिए हैं, सोफी मोलिन्यूक्स ने 8 मैचेस में 8 विकेट निकाले हैं, तो वहीं आखिरी नाम है श्रियंका पाटिल का जिन्होंने लास्ट 2 मैचेस में 5 विकेट्स अपने नाम किए हैं। तो ये है आरसीबी की वो खिलाड़ी
खिलाड़ी जो कि इस मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना सकती हैं। अब फाइनली देखिए बिना किसी देरी के कंक्लूजन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहां पर जैसा कि हमने आपको बताया कि मुंबई इंडियंस और आरसीबी की टीम का ये जो मैच है ये बराबर की टक्कर का होने वाला है, लेकिन यहां पर किस टीम के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं जीत के, तो अगर पिछले मुकाबले को देखते हुए कहा जाए तो आरसीबी की टीम का जो प्रदर्शन था वाकई में काफी अच्छा था। इनकी बल्लेबाजी भी काफी मजबूत है, साथ ही गेंदबाजी भी, जो पिछले मुकाबले में एलिसा पेरी ने 6 विकेट लिए थे उसे देखते हुए कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम थोड़ी सी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम ने शुरुआती मैचेस जो थे वो काफी अच्छे खेले थे, लेकिन बाद में थोड़ी सी टीम डगमगाई थी, तो कहीं ना कहीं यहां पर आरसीबी की टीम फाइनल में जा सकती है इस मुकाबले को जीतकर। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम कभी भी इस बाजी को पलट सकती है और कहीं ना कहीं 40% चांसेस यहां पर मुंबई इंडियंस के भी नजर आ रहे हैं, तो वहीं 60% चांसेस आरसीबी की टीम के दिखाई दे रहे हैं इस मुकाबले को जीतने के। वहीं पिच रिपोर्ट के लिहाज से अगर बात की जाए तो सेकंड बैटिंग करते हुए लास्ट 2 मैचेस जीते गए हैं, तो कहीं ना कहीं सेकंड बैटिंग करते हुए टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो सकती है। वेल दोस्तों, आप किस टीम को देखना चाहते हैं फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स के साथ भिड़ते हुए, क्या वो आरसीबी की टीम है या फिर मुंबई की टीम, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही डिजर्विंग टीम भी कौन सी है जो कि सीधे फाइनल में जाना डिजर्व करती है, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो पर लगाते हैं फिलहाल विराम, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। सो टेक केयर एंड बाय बाय।